यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो मंजिल खुद कदम चूम लेती है, और ऐसा ही एक मौजूद इरादों को सक्ष है रघुवीर सिंह, जो शिलाई ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। कहते हैं कि हौसले अगर बुलंद हो तो फिर आकाश भी आपको सिर झुकाकर सलाम करता है। ऐसे ही मजबूत हौसले का नाम है रघुवीर सिंह, जो कभी वायुसेना में सार्जेंट के पद पर तैनात थे। वो सेना से जुड़कर देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन 1979 में उनके सपनों पर तब लगाम लग गई जब एक हादसे के दौरान उनके एक पैर को काटना पड़ा। कई दिनों तक उनका इलाज चला। इलाज के बाद उनके बाहरी जख्म तो भर गए, लेकिन पैर कटने से जो जख्म दिल पर बने थे वो अब भी हरे थे। लेकिन ये जख्म ज्यादा दिन तक रघुवीर के आगे टिक नहीं पाए, क्योंकि रघुवीर ने हार नहीं मानी। नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रोड है, और बल्कि जितना जितना कोई टफ एरिया होगा, जहाँ टफ रोड होगी, मेरे को चलाने में ज़्यादा मजा आएगा। मेरे को कभी महसूस ही नहीं होता कि मैं एक लात से चला रहा हूँ कि दो लात से चला रहा हूँ। एक टांग गंवाने के बावजूद भी वो ऊंचाइयों पर पहुँचने का ख्वाब देखते रहे। खबर अभी तक से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वो एक टांग के सहारे ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, सड़कों को नापना चाहते हैं। रघुवीर वो सब करना चाहते हैं जिससे वो दुनिया को दिखा सके कि वो असहाय नहीं है, किसी पर बोझ नहीं है। द इंडिया बुक ऑफ लीडर में नाम दर्ज करवा चुके रघुवीर कई मोर्चों पर सम्मानित हो चुके हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि पोंटा से रेणुका मार्ग, जहां बड़े बड़े लोग ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, उस रोड पर भी वो बड़े ही आसानी से ड्राइविंग करते नजर आए। ये जो सामने से जो ये रोड आ रहा है, उस रोड से जिस हम पैदल नहीं आ सकते, उस रास्ते से भाई रघुवीर जी गाड़ी लेके आए हुए हैं, वो भी एक टांग से चला रहे हैं। बड़े हैरानी की बात है, विश्व में ऐसा आदमी हमने कहीं भी नहीं देखा जो गाड़ी लेके चलेगा। जहाँ से हम पैदल नहीं चल सकते, उधर से एक ही टांग से गाड़ी चला रहे हैं। हिमाचल रोड में मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, तो मुझे हिमाचल रोड में सब कुछ मुझे पता है कि कैसे ड्राइव करना है। तो ऑलमोस्ट अब 3-5 ईयर्स हो गए मुझे ड्राइव करके, तो मैं आज हैरान हूँ। आज इस तिलोरदार में एक ऐसे व्यक्ति आ रखे हैं जो एक पांव है और ऑटोमेटिक नहीं है गाड़ी, बिल्कुल भी नॉर्मल गाड़ी मैनुअल, और वो ऐसे चला रहे हैं कि एक पैर से चला रहे, तो मैं हैरान हो गया। रघुवीर उन लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं जो हादसों के बाद किसी अंग के कट जाने पर खुद को असहाय महसूस करते हैं। रघुवीर की हिम्मत, कड़ा परिश्रम वाकई में काबिले तारीफ है। खबर अभी तक के लिए शिलाई से रोबिन हुड की रिपोर्ट।